नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम धर्म और आप देख रहे हो मेरा चैनल करंट अफेयर। जो फर्स्ट टाइम चैनल पे हैं, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। बड़ी खबर और बड़ी न्यूज है, यूजीसी ने फाइनली एक डेट जारी कर दिया है कि इस डेट से इंजीनियरिंग कॉलेज जो भी फर्स्ट ईयर के कॉलेज है वो ओपन हो जाएंगे। और ये बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है, काफी लंबे टाइम के बाद ये अनाउंसमेंट किया गया फाइनली। क्योंकि आप देख लो कि जो फर्स्ट ईयर की क्लासेस है, जो एडमिशन प्रोसेस था वो पूरी तरह से रुका हुआ था, चीजें सही नहीं हो रही थी, चाहे वो बीए का हो, चाहे बीएससी का हो, चाहे बीटेक का हो, चाहे पॉलिटेक्निक का हो, चाहे आईटीआई का हो, बहुत सारी चीजें रुकी हुई थी। तो अभी जो गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट कर दिया वो डेट है 1 नवंबर से प्रॉपर वे में क्लासेस स्टार्ट की कर दी जाएंगी। और जो सत्र होगा 1 नवंबर से लेके 1 नवंबर 2020 से लेके 30 अगस्त 2021 तक होगा। अब उसमें प्रोसेस क्या है, देखो अभी जो लोग इंजीनियरिंग सेमेस्टर एग्जाम दिए हैं और जो लोग नहीं दिए हैं उन दोनों लोगों को छोड़ करके जो फर्स्ट ईयर का प्रोसेस है वो एक नए सिरे से स्टार्ट किया जा रहा है। जैसे जेईई मेन का एग्जाम हो गया है और जो भी एंट्रेंस एग्जाम होने बाकी हैं वो एग्जाम जल्दी कंप्लीट करा लिए जाएंगे। और एग्जाम कंप्लीट कराने के बाद उनकी काउंसलिंग भी कंप्लीट, मतलब कि आप समझ लो 30 अक्टूबर से पहले ही आपकी काउंसलिंग कंप्लीट हो जाएगी, आपका एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, आपका जो भी रिक्वायरमेंट होता है कॉलेज का और स्टूडेंट का वो सारी चीजें फुलफिल कर ली जाएंगी 30 अक्टूबर से पहले ही। तो अच्छी बात है क्योंकि सेशन ऑलरेडी 2-3 महीने लेट हो गया है और डिले होंगे तो बहुत सारी चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। इसका ब्रेकडाउन भी है कि सेमेस्टर एग्जाम कब होगा। हो सकता है कि इस बार प्रोबेबिलिटी यही है कि गर्मियों की छुट्टी नहीं होगी, क्योंकि जो 2 महीने गर्मी की छुट्टी होती थी उसमें आप लोगों के एग्जाम होंगे और एग्जाम के बाद थोड़ा सा टाइम 2-4 दिन का होके उसके बाद होगा। इस पर मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा, लेकिन फिलहाल अभी ये ब्रेकिंग न्यूज यही है कि यूजीसी ने एक बिग अनाउंसमेंट कर दिया है। जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने भी ये बात क्लियर कर दी है कि 1 नवंबर से एनी हाउ किसी भी टर्म्स एंड कंडीशन में सत्र लेट नहीं किया जा सकता है। 1 नवंबर से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी और क्लासेस स्टार्ट होने के बाद स्टूडेंट प्रॉपर वे में आएंगे अपने कॉलेज में, और कॉलेज में आने के बाद फिर वो अपना पढ़ाई करेंगे और चीजें स्मूथली काम करेंगे। क्योंकि कोरोना काल में देखो टर्म्स एंड कंडीशन अभी भी वही अप्लाई है कि स्पॉट जोन है वहां पे अभी भी चीजें इस तरह से काम नहीं करेंगी, तो वहां पे ऑब्वियसली इतनी इजली नहीं खुल सकती, लेकिन वहां पे भी खोले जाएंगे अल्टरनेट बेसिस पे या रोटेशनल बेसिस पे, कुछ ना कुछ टिप्स ट्रिक्स आइडियाज लगा के वहां पे भी कॉलेज ओपन किया जाएगा। तो बीटेक आईआईटी और आप कह लो कि पॉलिटेक्निक आईटीआई बीएससी बीए एमएससी पीएचडी जो भी आप स्टडी करने जा रहे हो फर्स्ट ईयर का, सबका क्लासेस स्टार्ट हो जाएगा 1 नवंबर से। तो ये एक बड़ी खबर थी, मैंने सोचा आप लोगों को पहुंचना चाहिए और खुश हो जाना चाहिए कि नहीं अब चीजें आ गई हैं सामने। तो बस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट कर दो। थैंक यू, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।